फॉर मी एमी टाइम एंड अगेन जो स्क्रिप्ट तुसी चूज कर रहे हो एंड स्पेशली पिछले कुछ सालों तो बार बार ये चीज़ प्रूव हुई है कि एमी विर्क जिथे हाथ पाते ने आइदर ही इज डूइंग इट इन द बेस्ट वे पॉसिबल या फिर सिर्फ एक वधिया स्क्रिप्ट दे नाल नाल ओ ए नहीं है कि खाली वधिया स्क्रिप्ट सी ऑडियंस नहीं पहुंची हुण दोनों चीज़ां बहुत चंगी मात्रा च होण लग गईआं ने क्रिटिक्स आर लविंग इट ऑडियंस इज लविंग इट नंबर्स भी बहुत ज़्यादा तगड़े आने लग गए हैं हाउ इज एमी विर्क डीलिंग विद दिस अटेंशन तो उन्होंने किमें का लग जाता लगता कि भाई अपनी फिल्म लग गई है बहुत वधिया नंबर आ रहे हैं हुण सब चढ़दी कला चा कम मैं ना जो तुम गल कही भी जिहड़ी चीज़ नूं हत्थ पाउणा हो जांदा उदां नहीं गा मैं ब्लैस्ड हाँ मैं करम वाला जिहड़े मतलब दोस्त मिले जां तुसीं भरा कह लो भरा मिले भी जिहड़े मेरे नाल काम करदे जिन्हां नाल जां मैं काम करदा राइट भावें वह जसवीर आया जगदीप सिद्धू आ अमरदीप सिंह आ राकेश धवन सारे मैनूं प्यार करदे ते मैं सारे नूं इक्वली प्यार करदा ते कम की भी चलो कम की बंदा हर बंदा कदर करता हूँ कम तो करते हैं आप एक दूजे वैसे भी सज्जन मित्र एक दूजे लिए मुंडे ना मुंडा जोड़ के खड़ने वाले है रब ना करे कल मेरा उच्चा नीवा टाइम आता ज ठंडा मिठा टाइम आऊगा तो इन्होंने जो मैं सैल्फिश होकर भी सोचा तो तिना चौहान चो एक तो चलता हो एक आपे सामभ लूंगा अच्छ कल उच्चा नीवें हो गया मैं सो अज जे किसी अज मेरी लौड़ है जो मैं वो कुछ कर सकता हूँगा तो डेफिनेटली मैं अज वे करूँगा अच्छ किसी के बच्चे नीवी टाइम आता सो ये हाथ नू हाथ ते प्यार आ सब तो इंपोर्टेंट चीज़ ये आ भी तुसीं कल नू बिना काम तो भी किसी नू मूँह मत्थे लाओ तो तुहाडा मतलब उदों ये ना हो भी तुसीं बह ही ना सको एक दूजे कोल भी इदां दा इन्ना माड़ा रिलेशन ना हो सो ये चीज़ा करके मैं करम वाला अपने आप नू ब्लैस मानदा करम वाला मानदा भी मैनू ये सज्जन मित्र मिले जिहड़े मैनू लई फिरदे आ भावें वह डायरैक्ट कर रहे हैं मेरी फिल्मां भावें वह लिख रहे हैं जिहड़ियां मैं इत्थे क्यों आ चंगीआं स्क्रिप्टां करके इत्थे बैठा ना चंगीआं स्क्रिप्टां आईआं तो फिल्मां चलीआं जिन्ने नंबर्स मतलब चलो उच्च नीवे होंगे रेंदे आ सो फिल्म मैंने इस तक लैके आई हाँ जो अब आप इंटरव्यू कर रहे हैं इस फिल्म का भी कर रहे हैं जो इस फिल्म लिए मैं एलिजिबल सी इस फिल्म में वड्डे करने के हिस्सा पाया तो वो राइटर डायरैक्टर का बड़ा सहयोग इन्हों का मतलब सहयोग रहा हालांकि हर मतलब कल राइटर डायरैक्टर भी फिल्म नहीं बना सकते जो उन्होंने को आर्टिस्ट ना हो कल आर्टिस्ट भी फिल्म नहीं बना सकते उन्होंने को राइटर डायरैक्टर ना हो सो मतलब मेरे लिए ये चीज़ जो मैं अपने अपने कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू तो सोचा तो मेरे लिए सब तो वड्डा पॉजिटिव पॉइंट यह है भी मैं तिने चारे जने बहुत प्यार करते हैं राइटर्स की गल करता डायरैक्टर्स भी है नंबर ऑफ डायरैक्टर्स एज वैल जिवें सिमर भाजी ने सारे बंदे ने अनुराग भाजी ने भावें मैं काम नहीं भी किया बट मैं बहुत सत्कार करता उन्हों का तो होर भी काफ़ी बंदे पंजाबी दादू ने सो काफ़ी बंदे आ जिन्हां नाल मैं काम करना भी चाहना तो करी भी जाना तो गाह भी करूँगा बिल्कुल और मेरा सवाल सीगा कि जो नंबरस आते हैं वो तो हम वो एक एक अजीब जी एंगजाइटी होंगी उन्होंने लैके कि बहुत खुशी हो रही होंगी है पर यू आर नर्वस ऑलसो भी अगली बार भी ये चीज़ होनी चाहिए है फिर हम एक हों बेंच मार्क जो सैट हो जाता है कि जिदा सौंकण सौंकण 57-58 हो गई है ना तो नंबरस उस लैवल से लैके जाने बहुत ही कुछ एक्सट्राऑर्डनरी करना पड़ेगा राइट नाउ मेरिया नंबर ऑफ फिल्म ज़्यादा ने पर ईयर राइट तो जे साल की एनगा भी मैं एक बनाऊंगा तो बहुत वधिया बनाऊंगा मैं तो चारा से सेम जोर लाना पंजा से सेम जोर लाना ना बैकलॉग कट्ठा होया हुआ तो जो बैकलॉग ना भी कट्ठा होया तो मेरे हिसाब से मैंने लगता भी मैं चार पाँच फिल्मा कराया करूँगा तो मैं करनी भी चाहिए तो कर सकता भी हाँ मैं राइट सो नंबरस एक्साइट कर दे एक सर्टन लैवल तक तो एक बार कोई बंदा पुछता सगा तुम वर्ल्ड के 7वें नंबर के रिचेस्ट बंदे बन गए हो व्हाट यू फील कहता एम आई ऑन 7th नंबर वो कहते यस यू सर यू आर ऑन 7th नंबर पी हाउ डू फील राइट नाउ कहता इट मैटर्स लाइक टिल सर्टेन नंबर्स लाइक 1 million 2 billion 3 billion 5, 10, 100 billion नाउ इट्स जस्ट नंबर्स डजेंट मैटर इट्स जस्ट नंबर्स जीरो इंक्रीज हो रही अपल अप साइड डाउन हो जाता पहले तो 7वें चल गया 8वें हो जाऊगा दूजे आ जाऊँगा पहले तो आ जाऊँगा नाउ इट्स जस्ट नंबर्स डजेंट मैटर राइट नाउ नंबर की दौड़ है बट राइट नाउ इट्स लाइक जो फिल्म 30-35 क्रॉस कर गई सी उस तो बाद मैं इट्स जस्ट नंबर्स दैट्स इट मेरी जिम्मेवारी निबड़ गई पैसे घर प्रोड्यूसर दे आ गए कहानी खत्म।